We were reading exercise 8.4. Now third question is express a centimeter using decimal. Means millimeter को centimeter में convert करना है. जो millimeter में given है इसको centimeter में convert करना है और decimal का use करते हुए. Got it? Look this A point. 5 millimeter. mm means millimeter. ठीक है, अगर millimeter को centimeter में convert करते हैं तो 10 का divide होता है. millimeter को centimeter में convert करते हैं तो 10 का divide क्यों होता है? क्योंकि 10 millimeter में 1 centimeter होता है. means या फिर उसको अपोजिट बोल लेते हैं, 1 centimeter is equal to 10 meter. ठीक है, इस तरीके से मैं बता देती हूँ. 1 centimeter में 1 means 10. ठीक है, 1 centimeter में 10 millimeter होते हैं. got it? और 10 divide में आ जाता है. ठीक है, तो 1 millimeter में 1/10 centimeter. इसलिए मैं डायरेक्ट यही राइट किया है बिकॉज अपन को इसी की नीड है. got it? 1 millimeter is equal to 1/10 centimeter. जब millimeter को centimeter में convert करते हैं तो 10 का divide होता है. got it? तो 5 millimeter is equal to 1/10. 5 है तो यहाँ पे अपन 5 राइट करेंगे. ठीक है, 5/10 centimeter बिकॉज अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, 5/10 है. ठीक है, 10 है तो जो न्यूमरेटर में जो डिजिट है उसको एज इट इज राइट कर लेते हैं. जितनी जीरो होती हैं उतनी ही डिजिट के बिफोर पॉइंट लगाते हैं. 10 है तो 1 digit के बिफोर पॉइंट लगाएंगे तो ये अपना सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया. गुड इट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी है इज 60 millimeter. और 1 millimeter में 1/10 centimeter होते हैं. ठीक है, तो 60 millimeter इज इक्वल टू 60/10 बिकॉज अपन मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, 10 के डिवाइड करते हैं. जैसे 10 के डिवाइड करते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, 1 digit के बिफोर पॉइंट लगाना. अब ध्यान से देखना, न्यूमरेटर वाली डिजिट को राइट किया और 10 है तो 1 digit के बिफोर पॉइंट लगाएंगे सेंटीमीटर. गॉट इट? मीन्स आगे 6.0 सेंटीमीटर. ये इसको और में राइट कर सकते हैं. पॉइंट के बाद 0 है तो 0 का कोई मीन्स नहीं है बिकॉज यहाँ पे पॉइंट 0 है. अगर पॉइंट नहीं होता तो 60 सेंटीमीटर होता, अगर पॉइंट है तो इसको 6 सेंटीमीटर भी राइट कर सकते हैं बिकॉज 6.0 है. ठीक है, 0.0 यहाँ से हट जाएगा तो आगे 6 सेंटीमीटर दोनों आंसर राइट है. सी पॉइंट इज 164 मिलीमीटर. ठीक है, 1 millimeter इज इक्वल टू 1/10 centimeter. मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/10 का मीन्स 10 का डिवाइड होता है. तो 164 मिलीमीटर इज इक्वल टू इसमें 10 का डिवाइड कर देंगे. ठीक है, 10 का डिवाइड किया जैसे ही तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया. गॉट इट? अब यहाँ पे अपन को डेसिमल लगाना है. ठीक है, 10 है तो 1 digit के बिफोर ही पॉइंट लगाते हैं. पहले न्यूमरेटर वाली डिजिट एज इट इज राइट कर लेंगे और पॉइंट यहाँ पे 10 तो 1 digit के बिफोर पॉइंट और सेंटीमीटर अपना आ ही गया है. ओके, डी पॉइंट इज, अभी देखिए सेंटीमीटर में टोटल लेकर आना है और ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी है उसको एज इट इज राइट करेंगे, ओनली मिलीमीटर को चेंज करेंगे. ठीक है, बिकॉज अपन को टोटल सेंटीमीटर में ही लेकर आना है. अगर जो सेंटीमीटर में उसको चेंज नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी सेंटीमीटर में, जो मिलीमीटर में उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, दोनों का प्लस कर देंगे फिर टोटल सेंटीमीटर में अपना आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे 1 millimeter इज इक्वल टू होता है 1/10 centimeter. यू नो, ओके, तो 9 centimeter ये ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या लगाना, प्लस मिलीमीटर है, मिलीमीटर को जैसे ही अपन 10 का डिवाइड करते हैं तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, 9 सेंटीमीटर प्लस इसको डेसिमल में बना लेंगे. पहले 10 है, 10 है तो 8 राइट किया, 1 digit के ऊपर पॉइंट सेंटीमीटर. अब इसको प्लस करना बहुत इजी है. 9.0 किसी डिजिट में अगर कोई पॉइंट नहीं होता तो लास्ट में पॉइंट लगाकर 0, यही तो कंडीशन है कि 0.0 यहाँ पे हटा सकते हैं और लगा भी सकते हैं. गॉट इट? तो 0.8, तो 0.8 बिकॉज पॉइंट के डाउन पॉइंट आना चाहिए, अब प्लस कर देंगे 9.8. ओके, आप लोग इसको साइड में राइट कर सकते हैं प्लस को. आंसर कितना आ गया, 9.8 सेंटीमीटर. गॉट इट? ई पॉइंट इज 93 मिलीमीटर. सेम कंडीशन है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर. ठीक है,
93 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 का डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, 10 है तो 1 डिजिट की बिफोर 0.93 राइट किया, 1 डिजिट की बिफोर 0.,. ओके, दिस इज आंसर। क्वेश्चन 3 कंप्लीटेड एंड फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्रेस एस किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। देखिए कंडीशन वही बन रही है, सिर्फ इसमें यूनिट चेंज है, हर क्वेश्चन की यूनिट चेंज है। ओके, बाकी कंडीशन वही है, सोल्व करने का तरीका वही है। ठीक है, अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके समझा होगा तो ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ओके, तो अब देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज 8 मीटर, इसको किलोमीटर को किस में चेंज करना है, सॉरी मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। ठीक है, जो अपना मीटर है उसको किलोमीटर में चेंज करना है एंड डेसिमल का यूज करती है, गॉट इट, बिकॉज सारे मीटर में गिवन है। ठीक है, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है उसमें, और डेसिमल का यूज करती है। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट इज 8 मीटर, नाउ ए पॉइंट इज 8 मीटर। ठीक है, मीटर को किस में लेकर आना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि मीटर को किलोमीटर में लेकर आना है। ठीक है, अब इसमें ये देखिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होता है तो 1000 का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अगर मीटर है तो ये अपोजिट हो जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, गोट इट। अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 का मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई मीन्स ये है कि इसमें मल्टीप्लाई 8 राइट कर सकती हैं। ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई हो गया लेकिन 1000 का डिवाइड नहीं है। ठीक है, अभी देखिए कि अपन को जिसकी नीड है तो वही राइट करेंगे, नीड इसकी है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, बिकॉज अपन को मीटर को किलोमीटर में ही चेंज करना है। ओके, तो ये फॉर्मूला है अपना। ओके, तो यहाँ पे राइट करेंगे 8 मीटर। ठीक है, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू है तो 8 मीटर। ठीक है, और 1000 का डिवाइड करना है इसमें 8 में, जिस तरीके से ये 1 में 1000 का डिवाइड हुआ तो 8 में 1000 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, और जैसे ही 1000 का डिवाइड होता है मीटर किलोमीटर में चेंज हो जाता है, गॉट इट। अब यहाँ पे 30 है तो 30 के बिफोर ही पॉइंट लगाना है। कैसे लगाएंगे, जो न्यूमरेटर में डिजिट है इसको राइट किया, और 30 है तो 3 डिजिट होना चाहिए, अगर डिजिट नहीं है तो इसके बिफोर 0 लगा लेंगे, 1, 2। अब अपने पास 30 हो गई है, ठीक है, मीन्स 3 डिजिट हो गई है, 30 है तो 3 डिजिट हो गई। अब अपन पॉइंट यहाँ पे लगा सकते हैं, और किलोमीटर में चेंज करना था तो ये किलोमीटर में आ गया। अब सेकेंड है 88 मीटर, लुक दिस 88 मीटर। अब यहाँ पे जिसकी नीड है तो अपन वही राइट करेंगे, 1 मीटर, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ओके, तो 88 मीटर इज इक्वल टू 88 में किसका डिवाइड करना है, 1000 का, और 1000 का डिवाइड करेंगे तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। ओके, अब इसमें 3 डिजिट के बिफोर पॉइंट लगाना है, तो 88 राइट किया, और 3 डिजिट है, 30 है तो 3 डिजिट होना चाहिए, 1, 2 डिजिट अपने पास, 10 लगा लेंगे तो 3 डिजिट हो जाएंगी, तो यहाँ पे पॉइंट लगा 0 और ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। नाउ सी पॉइंट इज 888 मीटर। ठीक है, कंडीशन वही है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1/1000 किलोमीटर, गॉट इट। तो अब यहाँ पे 888 मीटर इज इक्वल टू 888/1000 का ही तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर में। अब 3 डिजिट है अपने पास, ठीक है, और 30 है, गॉट इट। तो 30 है तो पहले तो न्यूमरेटर वाली डिजिट राइट की, और 30 है तो 1, 2, 3 डिजिट की बिफोर 0.किलोमीटर। सी पॉइंट कंप्लीटेड। डी पॉइंट इज 70 किलोमीटर 5 मीटर, गुड। फॉर्मूला अपना क्या होता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ओके, अभी देखिए अपन को किलोमीटर में लेकर आना, और 70 किलोमीटर ऑलरेडी है, ठीक है।
ठीक है, और ओनली मीटर को किलोमीटर में चेंज कर देंगे तो दोनों किलोमीटर में हो जाएंगे, उनका प्लस कर देंगे तो टोटल किलोमीटर अपने पास आ जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी किलोमीटर में, बिकॉज क्वेश्चन में ही बोला गया है कि किलोमीटर में ही कन्वर्ट करना है, तो 70 किलोमीटर ये ऑलरेडी है, तो इसको एज इट इज टाइप किया, बिटवीन लगाएंगे यहाँ पे, प्लस 5 मीटर है। ठीक है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड, तो 5 के डाउन 1000 लगा देंगे, बिकॉज ये मीटर है तो ये किलोमीटर में चेंज हो गया। ओके, 70 किलोमीटर प्लस ये जिटी ट्राइप कर देंगे, बिकॉज जैसे ही किलोमीटर में आ जाता है तो अपन दोनों का प्लस कर देंगे। अब 30 है तो यहाँ पे 3 डिजिट होना जरूरी है, 512 3 डिजिट है तो 3 डिजिट की 4 लगा दिया किलोमीटर। ठीक है, अब प्लस किस तरीके से करेंगे, अभी देखिए 70 है यहाँ पे, प्लस करके दिखा रहे हैं, यहाँ देखना 70 कोई डिजिट नहीं है तो पॉइंट लगाकर 0 लगा लेंगे। अब 0.005, अब पॉइंट के डाउन पॉइंट अगर आप लोग समझ नहीं आता है तो इस तरीके से कीजिए, पॉइंट के डाउन पॉइंट लगाइए, पॉइंट के लेफ्ट साइड में 0 है तो 0, पॉइंट के राइट साइड में 005 है 005। ठीक है, सिर्फ डिजिट के डाउन डिजिट आना चाहिए, और जो ब्लैंक है तो इस तरीके से ये 0 लगा देंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि प्लस कैसे करना है। 500 अब प्लस करना है 07, तो आंसर अपने पास कितना आ गया, 70.005 किलोमीटर। किलोमीटर ही क्योंकि टोटल किलोमीटर में लेकर आना था, ये भी किलोमीटर अपन प्लस कर सकते हैं, तो टोटल अपना किलोमीटर ही आएगा। ओके, डी पॉइंट कंप्लीटेड एंड क्वेश्चन 4 कंप्लीटेड। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्सप्रेस एस किलोग्राम इज डेसिमल। ठीक है, कि फोर्थ क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, बिकॉज सेम कंडीशन है। ठीक है, किलोग्राम में चेंज करना है ग्राम को, डेसिमल का यूज करती है। फर्स्ट पॉइंट इज 2 ग्राम, लुक दिस एपन 2 ग्राम। अब इसको फाइन किसमें करना है, किलोग्राम में। ठीक है, किलोग्राम फाइन करना है तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए करते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, गॉट इट। अगर किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई। ठीक है, और अगर ग्राम को, मीन्स की ग्राम है 1 ग्राम इज इक्वल टू ये 1000, तो कहां जाता है डिवाइड में, तो 1 अपॉन में 1000 किलोग्राम, ये कंडीशन है। अपन को नीड किसकी है, इस चीज की नीड है। ठीक है, मीन्स ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ग्राम मीन्स 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोग्राम, आप सिर्फ इसको याद रखिए। ठीक है, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड। ठीक है, तो 2 ग्राम इज इक्वल टू जो ग्राम है, जैसे ही इस ग्राम में अपन 1000 का डिवाइड करते हैं तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ग्राम डिवाइड करने के बाद किलोग्राम में कन्वर्ट हो रहा है। सेम कंडीशन है, 2 राइट किया, 3 0 है तो 3 डिजिट बनाना पड़ेंगी 0 लगाकर, 0.0, तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, गॉट इट। नाउ बी पॉइंट इज 100 ग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1000 किलोग्राम, तो 100 ग्राम इज इक्वल टू ग्राम में, किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं ग्राम को, तो 1000 का डिवाइड। अब यहाँ पे देखिए 100 राइट किया, न्यूमरेटर वाली डिजिट 30 है, 1, 2, 3 डिजिट ऑलरेडी है, पॉइंट लगाकर 0 किलोग्राम। सी पॉइंट इज 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोग्राम। ओके, तो 3750 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 का डिवाइड। ओके, तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, तो 30 है तो पहले न्यूमरेटर वाली डिजिट राइट की, 30 है तो 1, 2, 3 डिजिट की बिफोर पॉइंट लगा दिए किलोग्राम। ठीक है, डी पॉइंट इज 5 किलोग्राम 8 ग्राम। ठीक है, किलोग्राम में ही कन्वर्ट करना है तो 5 किलोग्राम ऑलरेडी है तो इसको एज इट इज राइट कर देंगे, बिटवीन लगाएंगे प्लस। ओके, अब 8 ग्राम है, ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करें, बिकॉज ये ऑलरेडी किलोग्राम में, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जो ग्राम में है उसको किलोग्राम में लेकर आएंगे, फिर दोनों का प्लस कर देंगे तो टोटल अपना किलोग्राम आ जाएगा। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का डिवाइड, 8 अपॉन में हो जाएगा 1000 किलोग्राम। ओके, तो यहाँ पे 3
जीरो है तो थ्री डिजिट होना चाहिए, एट राइट किया, वन टू थ्री मीन्स टू जीरो और लगा रही तो पॉइंट जीरो, ठीक है ये अपना आ गया। अब इसको करेंगे प्लस, ठीक है फाइव है यहाँ पे, फाइव पॉइंट जीरो लगा सकते हैं, ठीक है किसी डिजिट में अगर पॉइंट नहीं है तो अपन जीरो पॉइंट लगाकर जीरो लगा लेंगे। अब जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट, जीरो पॉइंट, पॉइंट के डाउन पॉइंट आना चाहिए, जीरो जीरो एट, जीरो जीरो एट। अब इसका करेंगे प्लस, ठीक है तो यहाँ पे जो ब्लैंक प्लेस होती है उसमें अपन जीरो लगा लेते हैं, ठीक है अब प्लस करेंगे एट जीरो जीरो पॉइंट फाइव, ओके तो ये अपना आंसर हो गया फाइव पॉइंट जीरो जीरो एट किलोग्राम। नाउ लास्ट पॉइंट इज 26 किलोग्राम 50 ग्राम। अभी देखिए ये भी ऑलरेडी किलोग्राम में, ठीक है टोटल अपन को किलोग्राम में तो लेकर आना है, ये ऑलरेडी किलोग्राम है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज राइट कर देंगे, ठीक है बिटवीन प्लस लगाएंगे और जो ग्राम में है उसमें 1000 का डिवाइड, ठीक है तभी तो एक किलोग्राम में कन्वर्ट होगा, बिकॉज वन किलोग्राम, वन ग्राम इज इक्वल टू होता है वन अपॉन में 1000 किलोग्राम। अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 का डिवाइड, तो ये ग्राम में था तो 1000 जैसे ही अपन डिवाइड करते हैं तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाया, ठीक है तो 26 किलोग्राम प्लस लगाया, ठीक है थ्री जीरो है तो थ्री डिजिट ही होना चाहिए तभी पॉइंट लगा पाएंगे, 50 राइट किया जो न्यूमरेटर में, 10 लगा ली बिफोर ही पॉइंट जीरो लगाते हैं तो थ्री अपने पास जीरो है तो वन टू थ्री डिजिट के बिफोर पॉइंट किलोग्राम, ठीक है अब इसका प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अभी देखिए पॉइंट एक तरीका है प्लस करने का भी, पॉइंट के बिफोर यहाँ जीरो है, यहाँ भी कोई पॉइंट नहीं होता अपन पॉइंट जीरो लगाते हैं तो पॉइंट के पहले 26 है, ठीक है पॉइंट के बाद 050 है, ठीक है ये एक तरीका है प्लस करने का, और प्लस करके भी दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए 26.0 और अपने पास है 0.050, पॉइंट के डाउन पॉइंट, पॉइंट के साइड जीरो है, पॉइंट के साइड 050 है, ओके और यहाँ पे अपन क्या लगा लेंगे जो ब्लैंक प्लेस है जीरो लगा लेंगे, ठीक है प्लस। अब प्लस कर देंगे ये जीरो, ये फाइव, ये जीरो पॉइंट सिक्स टू, अभी देखिए आंसर वही आया 26.050 किलोग्राम। गॉट इट, ई पॉइंट कंप्लीटेड, क्वेश्चन फाइव कंप्लीटेड, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.4।